Boys and girls of competitive exam and rest of the other. Today I am going to discuss the antonym. Let us start antonym. The first word is the capitalized word is reprove. And now we have five options. Option A. Invalidate, B. Dissuade, C. Agree, or D. Compliment, or E. Encourage. So we have five options. Is that clear? Now it must be our first and foremost duty that we should try to find out the most opposite word of reprove. Reprove. रिप्रूव का मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ठीक है डिस्करेज भी इसको कहते हैं ठीक और हमारी पांच ऑप्शन है ठीक है पहली ऑप्शन है इनवेलिडेट ये वर्ब है इसका मतलब वीकन कमजोर करना या वैल्यूलेस भी कर देना और बी है डिस वर्ब है इसका मतलब डिस्करेज ठीक है और अगला है एग्री ये भी वर्ब है और इसके अगला है कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इसका मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमारेशन एक्सप्रेशन ऑफ एडमारेशन तो ई है इनकरेज तो ई इज अवर आंसर इनकरेज इज अवर आंसर रिप्रूव मीन एक्सप्रेस डिसअप्रूवल क्लियर वन इज पॉजिटिव द अदर इन नेगेटिव तो चले फिर हम अगला करते हैं अगला है विट्रॉलिक एडजेक्टिव है ठीक है इसका मतलब है बिटर तो हमारे पास पांच ऑप्शन है पहली ऑप्शन है हम्बल ये एडजेक्टिव है दूसरा है प्लेजेंट ये भी एडजेक्टिव है रिटायरिंग इज आल्सो एडजेक्टिव और थॉटफुल एडजेक्टिव और प्योर भी आल्सो एडजेक्टिव तो विट्रोलिक एडजेक्टिव है तो हमारे पास पांच ऑप्शन है हम्बल प्लेजेंट रिटायरिंग थॉटफुल प्योर तो विट्रोलिक का मतलब होता है बिटर तो इसका अपोजिट होगा बी प्लेजेंट गिविंग प्लेयर भी हम कह सकते हैं प्लेजेंट भी कह सकते हैं तो चले फिर हम आगे चलते हैं अगर नंबर थ्री नंबर थ्री इधर क्लियर नंबर थ्री है नंबर थ्री है इंग्रेशिएट इंग्रेशिएट इज आर क्लियर तो ये इंग्रेशिएट मीन टू गेन फेवर ये वर्ब है इनग्रेसिएट मीन टू गेन फेवर और हमारे पास पांच ऑप्शन है ऑप्शन ए रिमूव ऑप्शन बी मिस प्राइज ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ऑप्शन डी कमांड एंड ऑप्शन ई थैंक तो हमारे पास पांच ऑप्शन है इज आर क्लियर तो इसका आंसर बनेगा ए रिमूव Ingratiate का मतलब टू गेन फेवर रिमूव का मतलब आप इसको इस तरह समझ ले कि नॉट गेन फेवर और अगला है मिसमराइज मिसमराइज मीन होल्ड होल्ड इंटरेस्ट ऑबटक्ट वर्ब है रुकावट रुकना कमांड इट्स वेरी सिंपल वर्ड थैंक तो पांच ऑप्शन है तो हमारा आंसर है रिमूव ए इज अवर आंसर इनग्रेशिएट ठीक है ये वर्ब है जिसका मतलब टू गेन फेवर रिमूव नॉट आई मीन दैट फाइंड फेवर और रिमूव किसी चीज को हटा भी देना कहते हैं तो चलें फिर हम आगे चलते हैं नंबर फोर नंबर फोर इज दैट क्लियर नंबर फोर एक्सेशन ये नाउन है एक्सेशन इधर नाउन इसका मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी उठाना इधर क्लियर हमारे पास पांच ऑप्शन है अलूफनेस नाउन है अकेला होना यूजर पेशन यूजर यूजर करना होल्ड कर लेना और अगला है, अगला है सी रिटायरमेंट Uh, मतलब गिविंग अप और डोनेशन कोई डोनेट करना किसी चीज को रिटर्न वर्ब है तो एक्सेशन मीन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटायर मीन नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट गिविंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थिंग लाइक दैट वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव तो चले फिर हम आगे चलते हैं अगला हमारा अगला है नंबर फाइव वैनि रेशन वर्ब है इज ए क्रियर इज अ वर्ब इसका मतलब एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट इग्नोरेंस नाउन है यूजर पेशन नाउन है रिटायरमेंट नाउन है डोनेशन इज नाउन और रिटर्न वर्ब ठीक है रिटर्न वर्ब ये वाला एक्सेशन ठीक है इट्स अ नाउन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलूफनेस अलीहदा अकेला यूजर पेशन यूजर करना ठीक है चीन लेना वगैरह रिटायरमेंट डोनेशन रिटर्न तो इसका आंसर है सी तो चले फिर हम आगे चलते हैं वैनरेशन वैनेरेशन ये वर्ब है ये नाउन इट्स ए नाउन वैनरेशन एटीट्यूट ऑफ रिस्पेक्ट वैनरेशन विन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट इग्नोरेंस इट्स ए नाउन अनकंसर्न नाउन डिसन नाउन कंटेम्प्ट ठीक है ये एटीट्यूट ऑफ डिसन या हिटर्ड तो हमारा आंसर फिर बनेगा डी डी इज ऑवर आंसर मीन एटीट्यूड ऑफ हेटर और डिस्यूरेशन का मतलब इज्जत तो वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव तो हमारा फिर आंसर बनेगा डी और पैसिविटी ये नाउन है जिसका मतलब पैसिव सुस्त तो चले फिर हम अगला करते हैं नंबर सिक्स नंबर सिक्स लोकेशियस लोकेशियस का मतलब है ये एडजेक्टिव है इसका मतलब टाकेटिव टाकेटिव टेस्टर्म टैक्टर्म सेल्डम स्पीक लोकेशन मीन टाकेटिव चैटर बॉक्स और इसका अपोजिट है टैक्टर सेल्डम स्पीक ना बोलना ना और अगला है अब्रेसिव नाउन है इज दैट क्लियर अगला है ट्रबल्ड वेरी सिंपल इन नॉट रैशनल एडजेक्टिव है इन एक्ट न्यूट एडजेक्टिव है तो हमारा आंसर बनेगा ए लोकेशियस आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन लोकेशियस मीन टॉकेटिव एडजेक्टिव है और इसका अपोजिट है टर्न ठीक हो गया यानी सेल्फम स्पीक वन इज ताकटी दर इज नॉट तो आंसर हमारा बनेगा ए तो चले फिर हम आगे चलते हैं कर्स कर्सरी से जिस आप कहते हो कर्सरी ऑब्जेक्टिव है ब्रीफ ब्रीफ एग्जामिनेशन भी आप कह सकते हो असेंशियल ऑब्जेक्टिव है पोलाइट बहुत मेहरबान काइंड वगैरह चाम कंप्रीहसिव कंप्रीहेंसिव के अंदर डिटेल्ड डिटेल्ड एग्जामिनेशन या थिंग लाइक दैट कर्सरी मीन ब्रीफ शॉर्ट एग्जामिनेशन एडजेक्टिव है कम्प्रीहेंसिव इजॉर्ट एडजेक्टिव तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन uh, थिंग लाइक दैट और आखिरी है इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना वगैरह वगैरह तो चले फिर हम अगला करते हैं अगला है नंबर एट वार्डेंट वार्डेंट इसका मतलब है लश ओवरग्रोन लश ओवरग्रोन बहुत ज्यादा सब्जा वगैरह ऑप्शन ए कंप्लीट वेन इट्स वेरी सिंपल वर्ड फॉर बिल्डिंग मना करना किसी चीज से एक्सपोज या होना डेसोलेट मीन बैरन वर्डेंट मीन लश ग्रीन ओवर ग्रीन ओवर ग्राउंड भी कह सकते हो डेसोलेट मीन बैरन तो ई इज अवर आंसर ई शुड भी अवर आंसर तो चले फिर हम अगला करते हैं नेक्स्ट अगला है सैल्यूटरी सैल्यूटरी कहते हैं बेनिफिशियल तो हमारे पास आंसर है हमारे पास पांच ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्रूफ जल्दी से कोई चीज करना कंप्लीकेटिंग प्रॉब्लम सम इंजूरियस डेंजरस अवैसिव, एडजेक्टिव है शिफ्टी और अगला है प्रियामट्री प्रियामिट्री मिन बॉसरी तो हमारे हमारी पांच ऑप्शन थी तो इनमें से हमारा आंसर बनेगा सी इंजूरियस सल्यूट्री मीन बेनिफिशियल इंजूरियस मीन डेंजरस तो सी इज अवर आंसर सी शुड बी अवर आंसर और अगला है यह आखिरी है नंबर फाइव इज आर इज आर क्लियर डेनीग्रेट डेनीग्रेट इज द वर्ड इसका मतलब बी लिटल और हमारे पास, पास पांच ऑप्शन है पहली ऑप्शन है एनर्जाइज